हेलो नमस्कार। आज हम देखेंगे कि है ना बहुत सारी वेजिटेबल खाने में कैसे यूज़ करें, है ना। ये सारी वेजिटेबल वो वेजिटेबल हैं कि जिन्हें है ना सब लोग पसंद नहीं करते हैं। ये दोनों तरह की तोरैया हैं, ये सूरन है, ये ककोरा है, और ये करेले हैं और ड्रमस्टिक है ना। तो सबसे पहले आप जो भी सब्जियाँ लें, जो भी सब्जियाँ हैं ना, बैंगन है, कद्दू है, लौकी है, भिंडी है, जो चीज़ नहीं खाते हैं वो सारी सब्जियां आप ले लीजिए 8-10, है ना। और अभी हम देखते हैं, तो भी मैंने करेले ले लिए हैं, करेलों को चॉप कर लें, है ना। मैं ऐसे चॉप कर रही हूँ ना, मैं छीलूँगी क्योंकि ये ना चिकल में ही मिनरल्स होते हैं इसके। अच्छे से धो लें नमक के पानी से, मैंने धो लिए हैं और ये है ना काट लिए हैं। ये देखिए रिंग में काट लिए हैं मैंने। अब क्या करना है, इसके बीज भी कम हैं तो हम बीज भी ले लेंगे, ज़्यादा मोटे बीज नहीं हैं, अगर मोटे भी हैं तो भी ले सकते हैं। और एक चम्मच नमक डाल के इसको रख दीजिए, ये देखिए है ना। तो ये है ना मोर वेजिटेबल मैं आज खाने में बनाऊंगी, और इसके लिए ना थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है। सारी वेजिटेबलें आप रख लीजिए, चॉपिंग कटिंग कर लीजिए, ताज़ा ही ताज़ा, ये नहीं कि फ्रिज में रख दें, उससे भी है ना सब्जियों का वेजिटेबल के मिनरल्स कम हो जाते हैं, है ना। ये ड्रमस्टिक है, ये देखिए इसको भी चॉप कर लीजिए, ड्रमस्टिक है, बैंगन है पानी में डाल के रख लीजिए, अरबी है, अरबी है ना खाली है ना सांभर में डाल सकते हैं, क्योंकि सांभर में है ना हम इमली डालते हैं ना, तो अरबी है ना हम उसमें डाल सकते हैं, और भिंडी, और बाकी है ना हम इसमें ड्रमस्टिक लेंगे, और है ना बैंगन भी ले सकते हैं। जैसे मैंने तुरैया छील रही हूँ मैं, ये है ना दोनों तरह की तुरैया हैं। मैंने कहने का मतलब है जो सब्जियों में टेस्ट नहीं है, जो नहीं खाते हैं खासकर आप, वही सब्जी लें, है ना। तो देखते हैं हम इनको है ना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टी कैसे बना सकते हैं। अगर एक बार आप इन सब्जियों को बनाएंगे इस मेथड से, तो आपको मालूम लगेगा कि है ना, पता लगेगा खाने में कि ये कितनी फ्लेवर वाली सब्जी लगती हैं। अब ये सूरन ले लिया है मैंने, ये देखिए सूरन है, बैंगन है, लौकी है, और कद्दू है, पम्पकिन, वो ले लीजिए। जितनी भी और सब्जियां जैसे कि जब बनती हैं ना तो सब लोग खाते नहीं हैं घर में, है ना। तो आज हम है ना उन्हीं सब्जियों से खाना बनाएंगे, और ये वो खाना है जो WHO ने रिकमेंड किया है कि सबसे ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी फूड है ये, वही मैं बना रही हूँ। तो आगे देखते हैं और मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए है ना 1-1 इंच के टुकड़े कर लीजिए। ये सूरन है, सूरन भी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं सब लोग, है ना, लेकिन उसको थोड़ा सा अगर है ना ऐसे बनाएंगे तो सब लोग पसंद करते हैं। सूरन की रेसिपी मैंने डाल रखी है पॉजिटिव फूड लाइफ में चैनल पे, करेले की भी डाल रखी है, अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो तो उसमें भी जाके है ना इंडिविजुअल देख सकते हैं। तो मेरी तुरैया कट गई है, करेले कट गए हैं, ड्रमस्टिक रेडी हो गई है, और दोनों तुरैया हैं ये, और ये ककोरे भी हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जियाँ हमारी कट गई हैं और पानी बॉईल करने रख दिया है, और ड्रमस्टिक डाल दिए हैं मैंने, है ना। अब एक कढ़ाई ले लेते हैं, जब तक हमारी सब्जियाँ बॉईल हो रही हैं, जब तक मैंने कढ़ाई रख दी है, ये मस्टर्ड ऑयल है ना, दाना मेथी डालेंगे, हींग डालेंगे और प्याज डालेंगे, है ना। राई डालना है तो आप राई भी डाल सकते हैं, और 1 मिनट सोटे करेंगे, और फिर हम करेले रख देंगे, क्योंकि है ना अभी है ना ये रोस्ट करेले और प्याज दोनों रोस्ट होंगे साथ में, है ना। और इसमें ना एक हरी मिर्ची डाल दीजिए, क्योंकि हम लाल मिर्ची नहीं डाल रहे हैं इसमें, तो एक हरी मिर्ची डाल दीजिए आप, अभी डाल दीजिए या ऑयल में डाल दीजिए, कैसे भी डाल दीजिए, है ना। और इसको ना हाई फ्लेम पर रख दीजिए, और इसको फ्राई होने दीजिए, है ना, जब तक हमारी ड्रमस्टिक भी उबल रही हैं, है ना। ये देखिए हाई फ्लेम पे ये हो रही है ना, 1-2 मिनट इनको है ना सोटे होने दीजिए, और इसमें नमक डाल दीजिए और हल्दी डाल दीजिए। ये देखिए पिंच डाली है, 4 पिंच हल्दी है, ज़्यादा नहीं है, और इसको चला दीजिए। तो नमक हल्दी अपना पानी छोड़ेंगे ना, तो इसमें ही है ना करेले हमारे हो जाएंगे। अभी हमारी ड्रमस्टिक उबल रही है, जब तक हम दूसरा देख लेते हैं। ये सूरन है, सूरन भी रख देते हैं,
है ना, करेले बन रहे हैं, सूरन उबल रहा है और हमारी ड्रमस्टिक भी उबल रही है ना। नमक डाल दीजिए और हल्दी डाल दीजिए, और नहीं तो आप ऐसे ही बॉईल कर लीजिए। लेकिन मैं सूरन में हल्दी नहीं डाली है मैंने, ये देखी है ना। इधर है ना मैंने दाल रख दी है, सांभर भी बनाएंगे ना हम, तो मेरे चारों गैस चल रहे हैं बराबर से, कटिंग साथ में चल रही थी। और है ना ये अभी चौथी गैस मेरी खाली है, ये रेड राइस है, बॉइल्ड राइस। आप कोई भी राइस ले लीजिए जो भी आप खाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ऑथेंटिक बना रही हूँ। तो ये केरला राइस है, रेड राइस है ना, और ये छोटे से प्याज हैं, और ये सेम की फली है, और एक ये नारियल है ना। तो ये चीज़ें हमें लगेंगी। देखिए मेरे हस्बैंड है ना नारियल कर रहे हैं, क्योंकि इनको आज ऐसा खाना खाना है ना, तो थोड़ा सा हेल्प करा रहे हैं है ना। तो देखिए मैंने ये रेड चिली, करेले हमारे बन के रेडी हो गए हैं, और ये मैंने रेड चिली डाली है, और ये राई डाला है ना, और ये हींग, और ये देखिए तुरैया है, बारीक बारीक काट लिए है मैंने, दो हरी मिर्ची और एक प्याज, और तीनों साथ में डाल दीजिए, और कड़ी पत्ता, ये देखिए है ना। ये सिंपल सब्जी है, बहुत ही सिंपल है। ऐसे आप बैंगन भी बना सकते हैं, आप कैबेज भी बना सकते हैं, मैं कैबेज भी बनाती हूँ, और 2 मिनट में हो जाती है। इसको 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे इस सब्जी को, फ्लेम हमारा हाई है। और इसमें एक मुट्ठी नारियल डाल दीजिए, सिंपल जो घिसते हैं ना नारियल, कच्चा नारियल सिंपल, वह फ्लेम हमारा हाई रहेगा। इसमें हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा ग्रीन ग्रीन और वाइट वाइट है ना। ऐसे कैबेज का भी बहुत अच्छा बनता है, मैंने बनाया है, आप है ना मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। और कड़ी पत्ता, ये देखिए ये हमारी सब्जी बनके रेडी है ना। ये साथ साथ में चल रहे हैं, अगर आपको ऐसा खाना खाना है, ऐसा बनाना है, तो थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हरी मिर्ची है, ये लाल मिर्ची है, और ये लहसुन है, और ये जीरा है, और ये छोटी वाली प्याज है, उल्ली बोलते हैं इसको, नहीं तो आप ऑर्डिनरी जो प्याज होती है ना वो भी ले सकते हैं है ना। और ये नारियल है, और ये राई है, मस्टर्ड सीड है ना। तो देख लेते हैं, पहले मस्टर्ड सीड डाला, और ये गार्लिक, दोनों हरी मिर्ची लाल और हरी, जीरा और प्याज और लहसुन, प्याज आधी डालनी है हमको, ज़्यादा नहीं डालनी है ना। राई भी डाली है, और ये हम नारियल डालेंगे हम है ना। नारियल डाल के चला लीजिए, चटनी बना लीजिए, कहने का मतलब है। अब हम मैंने राई लेंगे, एक ऑयल लिया है मैंने, लाल मिर्ची है, राई है, और ये हींग है। सांभर बना रही हूँ मैं, तो सांभर में हींग ज़्यादा डालनी चाहिए। और ये मैंने प्याज डाल दिए हैं छोटे वाले उल्ली है ना, कड़ी पत्ता डाल दिया है, और ये मसाले हैं हल्दी मिर्ची और धनिया, ये हम तेल में डाल रहे हैं, ये देखिए है ना। क्विक एंड ईजी सांभर कैसे बनाते हैं ये मेरे चैनल पे है, आप देख लीजिए। और उबली हुई दाल डाल दी है मैंने इसमें है ना, और ड्रमस्टिक डाल दीजिए, और सूरन के पीस डाल दीजिए, और ये इमली डाल दीजिए, ये देखिए, और थोड़ा सा नारियल भी जो कीस रहे हैं ना कच्चा नारियल वो डाल दीजिए। सूरन ड्रमस्टिक बॉईल करके डालना है, भिंडी ऐसे ही डाल दीजिए, और थोड़ा सा मैंने गुड़ डाला है, देखिए थोड़ा सा गुड़, और बैलेंस कर लीजिए खट्टा मीठा। और ये हमारा सांभर रेडी है। अब नेक्स्ट सब्जी देख लेते हैं, ये लाल मिर्ची डाली है मैंने, और ये राई डाल दिया है, और ये हींग डाल दी है, राई लाल मिर्ची और हींग है ना। अब हम प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ, एक मुट्ठी, ज़्यादा नहीं डालना है हमें, और कड़ी पत्ता, क्योंकि हमने ग्राइंड किया था ना, और ये सेम की फली है, इनको बॉईल नहीं करना है। और जो बॉईल वेजिटेबल है ना, सूरन है, और ये ड्रमस्टिक है, इसमें बैगन भी डाल सकते हैं एक, और ये हमने चटनी बनाई थी ना नारियल की, अभी इसमें सारा पीसा था मिक्सर में, ये वो डाल दीजिए, और आपका कप है ना वो धोकर वो भी डाल दीजिए पानी, ये देखिए। और ये हमारी दूसरी सब्जी भी बन के रेडी हो गई, ये देखिए। सांभर में है ना आप भिंडी डाल सकते हैं कच्ची, बॉईल नहीं करना। ये हमारे चावल भी रेडी हो गए हैं बॉईल, देखिए है ना। इसमें एक ट्रिक है, और ये बॉइल्ड होने के बाद में इसमें ना पानी डाल दीजिए आधा कप, तो ये है ना चिपकेंगे नहीं है ना, वो बंद करके रख दीजिए, जब हम खाएंगे ना तो ये चिपकेंगे नहीं। अब हम देख लेते हैं रसम बना रहे हैं, इसमें लाल मिर्ची डाली है, जीरा डाला है, और दाना मेथी और खड़ा धनिया, और मैंने ये लहसुन डाला है, कड़ी पत्ता, और प्याज डालूँगी, और हींग, हींग ज़्यादा चाहिए हमें, हम रसम बना रहे हैं है ना। बस 1-2 मिनट इसको कड़काइए, और ये धनिया पाउडर डाला है मैंने, और ये है ना इमली का पानी, ये देखिए है ना स्टीम ज़्यादा बन रही है ना,
तो कैमरा बंद हो गया। ये इमली का पानी है, ये देखिए है ना, ये 3 ग्लास भर के इमली का पानी डाल दीजिए और ये हमारा रसम बन के रेडी है। और ये कढ़ाई लीजिए आप, उसमें घी डालिए और इलायची और है ना आटा भून लीजिए। ये आटा हमारा भुन गया है, 1 चम्मच आटा है जो रोटी बनाते हैं वही, और जो सिरप बनाते हैं ना गुड़ का सिरप है ये देखिए ये डाल दीजिए, चाशनी बना के मतलब शक्कर या गुड़ का। तो ये है ना हम जो हम लपसी बनाते हैं ना, जो हमारे माता पे जो लपसी बनाते हैं ना आटे की, वही है ये है ना पतला हलवा जिसको बोलते हैं हम लोग, लपसी बोलते हैं। और इसमें घी डाल दीजिए है ना, पतला हलवा है ये देखिए है ना। और ये कोकोनट मिल्क है, ये मैगी का कोकोनट मिल्क आता है पाउडर, और कैन भी आता है वो डाल दीजिए आप है ना। तो मैंने 1 कप भर के है ना ये डाल दिया है ये देखिए, और मैंने गुड़ डाला है ना। तो ये लपसी बन के हमारी तैयार हो गई है ये देखिए। और ये मैंने किशमिश डाली है, इसमें नट्स डाल दीजिए जो भी आपको चाहिए, और घी ज़रूर डालिए ऊपर से है ना। ये रेडी है। और मैं 1 मुट्ठी काजू ले रही हूँ, घी में रोस्ट कर ले रही हूँ। तो चाहे तो आप ये है ना तड़का कढ़ाई में डाल दीजिए या कढ़ाई इसमें डाल दीजिए, कैसे भी कर लीजिए। ये हमारा हलवा बन के रेडी है ना। ये थोड़ा गीला रहेगा, ये देखिए हमारी ये है ना सूरन की सब्जी बन के रेडी है, सांभर बन के रेडी है, ये हलवा बन के रेडी है, और ये करेले और ये सांभर, ये देखिए सारी सब्जियां हमारी बन के रेडी हैं। ये देखिए देखने से ही है ना कितना फ्लेवर वाला लग रहा है, सफ़ेद हरा लाल पीला। ये देखिए हमारी सब्जी सारी सब्जियां, ये है ना तुरैया है ना। अब लगा लेते हैं हम, जितनी भी सारी चटनियां हैं ना उसकी तैयारी आप 1 दिन पहले कर लीजिए है ना। अचार हैं सारे, ये करेला है, ये तुरैया है ना, अचार चटनियाँ हैं ना सुबह बना के, जैसे कि हमारी अमचूर की चटनी है, ये तुरैया है ना, ये रेड राइस है बॉइल्ड, ये देखिए है ना। वैसे तो पसा के बनाते हैं लेकिन मैंने ना डायरेक्ट बनाए हैं, ये देखिए एक एक दिख रहा है ना चावल। पापड़ भी रेडी हो गए हैं, ये है ना केरला स्टाइल की पापड़ हैं ये, वो लोग है ना यही बनाते हैं। तो उसी स्टाइल में मैंने ये खाना बनाया है, मलयाली सद्या है ना, ओणम के टाइम चलते हैं ना तो सद्या बनाते हैं। तो ये सारी वेजिटेबल है यूज़ करके ये है ना सद्या बनाते हैं है ना। तो मैंने उसी वर्षन को ध्यान में रख के ये सारी सब्जियाँ यूज़ की हैं। और सांभर डाल दीजिए, और साथ में हमारा पतला हलवा, रसम, और है ना रायता है ना, आप चाहें तो पूड़ी भी रख सकते हैं। तो एक हेल्दी खाना है, हेल्दी फूड है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।